अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आधा पर छोड़कर भागिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखते चलिएगा, पूरा देखने से समझ में आता है। आते हैं अब चलते हैं सम संख्या पे। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या कहते हैं किसको, ठीक है इसको समझेंगे। सम संख्या इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या होता है, ठीक है इसको समझना है। इवेन नंबर सम संख्या वह संख्या है जिसे दो से भाग देने पर, सम संख्या वह संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। सम संख्या वह संख्या है, सम संख्या वह संख्या है, सम संख्या वह संख्या है जिसमें जिसमें दो से डिवाइड करने पर भाग देने पर देने पर पूरा 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 विभाजित हो जाता है, विभाजित सम संख्या वह संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे अगर दो दो चार छ आठ दस डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे समझना है कि दो दो को अगर यदि दो से हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में चल जाएगा, दो से दो पूरा कट जाएगा, यानी कि दो का दो टू वन जा वन कट गया, और यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष जीरो, यानी कि पूरा पूरा विभाजित का मतलब क्या होता है, शेष जीरो बचना चाहिए, शेष कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थ्री है, थ्री को यदि हम दो से डिवाइड करेंगे तो एक बार मिल जाएगा भाग, कितना आएगा, शेष वन आया, इसका शेष शून्य ही है, इसलिए क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा, या क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। चलिए विषम संख्या इसके बारे में देख लेते हैं। तो सम संख्या वह संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। अब आते हैं विषम संख्या पांचवा, इवन नंबर हो गया ऑड नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, विषम संख्या वह संख्या है, विषम संख्या वह संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, इसमें पूरा पूरा कट रहा और इसमें पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या है, वह संख्या है, विषम संख्या वह संख्या है जिसमें जिसमें दो से भाग देने पर पूरा 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 नहीं कटता हो, नहीं कटता हो या नहीं विभाजित होता है, ठीक है नहीं कटता है। जैसे मान जैसे जैसे हो गया कितना, चलिए थ्री ले लेते हैं, फाइव ले लेंगे, सेवन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, ये सब क्या है, विषम संख्या हो गया, यानी कि सम संख्या में दो से पूरा पूरा कट जा रहा है, विषम संख्या पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब इसके आगे नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा क्लियर करेंगे, इसके बाद में चलेंगे प्रॉब्लम पे, पहले बेसिक को क्लियर कर लिया जाए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
रूट संख्या भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, रूट संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूट संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, ये सब जब जानकारी हो जाएगा ना तो मैथ बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। कह रहे हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज न हो, रूट या अभाज्य संख्या कहलाती। कह रहे हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज न हो, जैसे कि अपने से कटेगा और एक कोई दूसरा संख्या से कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पे दिया है दो, दो क्या है, दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, इससे अलावा दूसरे अंक से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे तीन है, तीन क्या होगा, तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, दूसरे अंक से नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसको अभाज्य संख्या रूट संख्या। पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह डॉट डॉट इत्यादि, ये सब क्या है अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद कह रहे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब दो संख्याओं का मसा, जब दो संख्याओं का मसा एक आता हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या। ये पूछा जाता है बार बार, हमेशा पूछा जाता है रेलवे वगैरह में, इसको ध्यान देंगे। सह अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे दो और पांच दिया है, दो और पांच को मसा निकाला जाएगा, महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना आएगा, वन आएगा। दो और सात है, दो सात का महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा तो कितना आएगा, वन आएगा। यानी कि जिसका महत्तम समापवर्तक एक आता हो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद में तो यौगिक या अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज हो जाए, एक से स्वयं और एक को छोड़कर कोई भी संख्या से भाज हो जाओ, कम से कम एक से होना चाहिए, एक अंक से और होना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा होता है, जैसे चार छ आठ नौ दस बारह, ये सब क्या हो गया यौगिक संख्या है, भाज संख्या, कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद आगे चलते हैं,